आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 महीने से प्याज का दाम लगातार गिरते ही जा रहा है। किसान 75 पैसे से लेकर 1 रुपए प्रति किलो के भाव पर प्याज बेचने को मजबूर है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ के संस्थापक अध्यक्ष भरत डिगोला ने बताया कि प्याज की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए हम लोग नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। उनके सामने प्याज के दामों को लेकर एक नीति बनाने के साथ ही अपनी समस्या उनके सामने वे रखेंगे। साथ ही भारत डिगोला ने बताया कि इस अवसर पर वो प्याज उत्पादक संघ की तरफ से राष्ट्रपति मुर्मू को 1 टन प्याज उपहार में देंगे। डिगोला का कहना है कि प्याज के दाम को लेकर एक नीति तय होनी चाहिए। प्याज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई नीति नहीं होने के कारण भी किसान कई साल से परेशान है। देश में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और यहाँ के किसान ही परेशान रहते हैं। साथ ही लगातार प्याज के दामों में गिरावट के कारण किसानों को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि किसानों ने अब प्याज की खेती की ओर ध्यान देना कम कर दिया है। किसान नेता डिगोला का कहना है कि पिछले 3 महीने से किसान उत्पादन लागत से कम में ही प्याज बेचने पर मजबूर हैं। ऐसे में किसानों की आय कैसे डबल होगी। अब किसानों द्वारा स्टोर किए गए ग्रीष्मकालीन प्याज सड़ रहे हैं, इसलिए वह मजबूरी में 75 पैसे किलो के पर भाव पर इसे बेचने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्याज की कीमत में गिरावट के बाद से सरकार इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। डिगोला ने बताया कि चीन के बाद विश्व में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन भारत में होता है और भारत में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। नासिक जिले के लालसवर गांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है और यहीं से किसानों को प्याज का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों को प्रति किलो के हिसाब से 18 रुपए से लेकर 21 रुपए की लागत लग जाती है। वर्तमान में किसानों को प्याज का रेट 1 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। ऐसे में किसानों का कैसे गुजारा होगा। खेतों से मंडी तक प्याज ले जाने का परिवहन खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।